पैरासूट उम्मीदवारों के लिए ये सीट किसी वरदान से कम नहीं है। स्थानीय नेताओं को छोड़कर ये सीट ज्यादातर बाहरी उम्मीदवारों के लिए हमेशा जीत की गारंटी रही है। पर उससे पहले इन दो तारीखों पर जरा गौर करिएगा। 8 फरवरी 2019 संघ का एक खांटी स्वयंसेवक भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल होता है, सदस्यता दिलाते हैं खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दूसरी तारीख है 1971 का लोकसभा चुनाव। एक राष्ट्रपति के बेटे के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से पर्चे फेंके जाते हैं और राष्ट्रपति का बेटा चुनाव जीत जाता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं एक हिस्सा लोकसभा का। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड अंचल की दूसरी लोकसभा सीट दमोह की। दमोह में राजनीति को लेकर कई किस्से हैं, पर पहले बात इस लोकसभा सीट की। 1989 से यहां पर बीजेपी का कब्जा है, भाजपा यहां से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुकी है। हमने 2 तारीखों का जिक्र किया था। पहले बात 8 फरवरी 2019 की, भाजपा के कद्दावर नेता रामकृष्ण कुसमरिया भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भाजपा के लिए एक बड़ा झटका बताया। रामकृष्ण कुसमरिया को बाबा जी भी कहा जाता है, बुंदेलखंड में कुर्मी वोटों की राजनीति करते हैं। रामकृष्ण कुसमरिया दमोह सीट से 4 बार लगातार चुनाव जीतने वाले सांसद भी रहे हैं। बाबा जी दमोह से लेकर खजुराहो तक से सांसद रहे, क्षेत्र बदलकर 4 बार विधायक बने, शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे, फिर 2018 में टिकट नहीं मिलने पर बगावत पर उतर आए। मनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा पहुंचे। बाबा जी ने मिलना तो दूर, बात करना तक जरूरी नहीं समझा, ऊपर से बयान दिया बाबा तो मचल गया है चुनाव लड़ने को। अब बात जरा दूसरी तारीख की। शुरू में हमने बाहरी उम्मीदवारों की बात की थी। दमोह संसदीय क्षेत्र अधिकांश प्रत्याशी बाहर से आकर चुनाव लड़ते रहे और विजय भी होते रहे। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ही ऐसे अकेले प्रत्याशी हैं जो लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं। बाकी लोग एक चुनाव जीतते हैं तो दूसरा हार जाते हैं, ये इस सीट की फितरत है। 1971 का दौर सियासत के लिए जरा अलग था। प्रचार के लिए तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, नए फॉर्मूले ढूंढे जाते थे उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए। उम्मीदवारों के पोस्टर और बैनर छपते थे और उन्हें पब्लिक के बीच में बांटा जाता था। 1971 में भी पोस्टर और बैनर छपे थे, पर दीवारों पर नहीं लगाए गए, बल्कि ये हेलीकॉप्टर से फेंके गए थे। दमोह लोकसभा सीट के लिए ये पहली बार था जब किसी उम्मीदवार का प्रचार हेलीकॉप्टर से हो रहा। उम्मीदवार थे कांग्रेस के वराह शंकर गिरी। शंकर गिरी देश के पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी के बेटे थे। जब बेटा चुनावी मैदान में था तब पिता देश के सर्वोच्च पद आसीन थे, वो बतौर राष्ट्रपति देश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लोगों की भीड़ उम्मीदवार को देखने से ज्यादा हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जुटती थी। जब पर्चे फेंके जाते थे तब लोग उन्हें इकट्ठा करने के लिए जमा होते थे। हेलीकॉप्टर वाले इस उम्मीदवार के पक्ष में लोगों ने जमकर वोटिंग की। नतीजा आया तो शंकर गिरी बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके थे। इस सीट पर 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस का दबदबा बढ़ रहा था। तब पन्ना राजघराने के नरेंद्र सिंह को कांग्रेस का बढ़ता कद पसंद नहीं आया। उन्होंने भारतीय लोकदल पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हार का सामना किया। दमोह लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ था। पहले यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 1967 के परसीमन के बाद सामान्य हो गई। 1967 और 1971 में यहां कांग्रेस जीतती रही। 1977 में भारतीय लोकदल को और 1980 से लेकर 84 में कांग्रेस चुनाव जीती। बीजेपी को पहली बार इस सीट पर जीत 1989 में मिली। लोकेन सिंह बीजेपी के पहले नेता थे जिन्होंने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद जीत का सिलसिला आज तक जारी। दमोह लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं। देवरी, बड़ा मलेहरा, जबेरा, रहली, पथरिया, हटा, बंडा और दमोह। 1952 से 1957 तक दमोह सागर संसदीय क्षेत्र में शामिल था, लेकिन 1962 के बाद से दमोह पन्ना लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। अब कौन बना यहां से सांसद, जरा नजर डालते हैं इस पर। 1962 में कांग्रेस की सहोद्राबाई राय चुनाव जीती। 1967 में कांग्रेस के मड़ी भाई जे पटेल चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1971 में कांग्रेस के बराह शंकर गिरी चुनाव जीते। 1977 में भारतीय लोकदल के नागेंद्र सिंह चुनाव जीते।
1980 में कांग्रेस के प्रभु नारायण सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे तो 84 में कांग्रेस के डालचंद जैन चुनाव जीत गए। 89 में भाजपा का खाता खुला और लोकेन्द्र सिंह चुनाव पहली बार जीते। 91 से लेकर 99 तक डॉक्टर रामकृष्ण कुशमारिया लगातार 4 बार सांसद रहे। 2004 में भाजपा के चंद्रभान सिंह चुनाव जीते तो 2009 में भाजपा के शिवराज सिंह लोधी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 में प्रहलाद पटेल पहुंचे और उन्होंने जीत दर्ज की। दमोह लोकसभा की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक दमोह की जनसंख्या 25,09,956 है। 82.01% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में और 17.99% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। दमोह में 19.44% लोग अनुसूचित जाति और 13.13% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रहलाद सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी। उन्हें यहां 56.25% और कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को 32.87% वोट मिले थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 2,13,299 वोटों का। अब बात करते हैं जरा सांसद के रिपोर्ट कार्ड की। 58 साल के प्रहलाद सिंह पटेल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर चौथी बार सांसद बने। प्रहलाद सिंह पटेल का जन्म नरसिंहपुर जिले में हुआ। संसद में अगर प्रदर्शन की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति 94.39% रही। प्रहलाद सिंह पटेल ने संसद की 158 बहस में हिस्सा लिया, 435 सवाल पूछे। पटेल को विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए जिसमें उन्होंने 94.40% खर्च भी कर दिया। वैसे इस बार खुद प्रहलाद पटेल सीट बदलने की जुगत में लगे हुए हैं। उन्हें भी डर है कि एक बार जीत और हार का फॉर्मूला कहीं उनकी सियासत को ना उलझा दे। वजह सिर्फ इतनी भी नहीं है, अपना प्रभाव बनाने के लिए प्रहलाद पटेल ने इस इलाके के नेताओं को प्रभावहीन बनाने की राजनीति भी चली। कुछ बिहाइंड कर्टन थी, कुछ बिलो बेल्ट थी, जिसके चलते उनकी अदावत जमीनी नेता गोपाल भार्गव, बाबाजी और पूर्व मंत्री जयंत मलैया से भी हो गई। बाबाजी और मलैया चुनाव हार गए हैं और गोपाल भार्गव बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं। बस यही वजह है जो प्रहलाद पटेल को डरा रही है। खैर, एक किस्सा लोकसभा में आज के लिए इतना ही। आगे बताएंगे बुंदेलखंड अंचल की ही एक सीट की कहानी, जहां एक भागवत कथा का पाठ करने वाली लड़की सांसद बन गई और फिर मध्य प्रदेश की सियासत में उसका सिक्का जमकर चला। तब तक के लिए नमस्कार।